उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा को 27 परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें बॉटनिकल गार्डन से कालिंदी कुंज तक मेट्रो के ट्रायल रन के साथ ही ग्रेटर नोएडा में बस सेवा का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा MP2 मार्ग, नवनिर्मित 6 लेन एलिवेटेड रोड, सेक्टर 62-63 तिराहे पर 6 लेन अंडरपास और नोएडा के सेक्टर 21A में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया गया। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 25,000 है। लखनऊ से नोएडा को ये सौगात देते हुए सीएम अखिलेश यादव ने राज्य सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का विकास किया गया है और आगे भी होता रहेगा। उन्होंने कहा कि जितना चुनाव लेट होगा उतना ही हम उद्घाटन करते रहेंगे। इस दौरान सीएम अखिलेश यादव ने नोटबंदी को लेकर BJP पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरा देश बैंक की लाइन में खड़ा हुआ है तो वोट कहाँ जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता को दुख देने वाली सरकार के खिलाफ मतदान होता है, केंद्र सरकार को 2.5 साल का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि पता नहीं चुनाव से पहले BJP कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। जाहिर है कि ऐसे वक्त में किए गए उद्घाटनों को चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले कल सीएम अखिलेश यादव ने राज्य में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। देखते रहिए DB Live।